गुड इवनिंग, आई एम संदीप कुमार गर्ग फ्रॉम प्रज्ञा लॉ क्लासेस। और आज इस लाइव क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो 11th को जो CCS यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, उसके बारे में। बेसिकली उसी के लिए ये जो क्लास है वो हमने आज रखी है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में, और इसके बाद थोड़ा सा जितना भी संभव होगा उनको जितना भी डिस्कस कर सकते हैं उनको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश मैं करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल दो अभी हम जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ऑल दो देयर हैज बीन कंसिडरेबल कंट्रोवर्सी whether India is or not a federation, and although some writers have called it quasi-federal, it would seem that essentially the Indian constitution is a federal one. यद्यपि यह अत्यंत विवाद का विवादास्पद रहा है कि भारत जो है वो संघ है या नहीं, और यद्यपि कुछ लेखकों ने तो भारत को अर्धसंगात्मक कहा है, तथापि यह प्रतीत होता है कि भारतीय संविधान निश्चित ही संघात्मक संविधान है, इसकी विवेचना कीजिए। तो बेसिकली ये जो प्रश्न है ये नेचर आपसे पूछ रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जो मैंने अपने क्वेश्चन पेपर में लिया है, जी गुड इवनिंग प्रतीक जी, गुड इवनिंग विकास जी, इनोसेंट शेखर जी, आप आपसे कोई जबरदस्ती नहीं किया, मैं कल भी बनाऊंगा, एग्जाम के बाद आप आ जाइएगा, ठीक है। तो ये फ्री क्लास है, तो आपको लेनी हो लीजिए, ना लेनी हो मत लीजिए, ठीक है। कोई जबरदस्ती नहीं है आपसे, आपसे कोई मैं फीस नहीं ले रहा हूँ जो मैं बाउंड हूँ कि मैं आपको एक दिन पहले क्लास लूंगा या दो दिन पहले क्लास लूंगा। तो ये आपकी मर्जी है, आप चाहे पढ़िए चाहे मत पढ़िए, ठीक है। तो इस तरह के कमेंट आप अपने पास रखिए, ठीक है। मेरी मर्जी है, मैं क्लास कल सुबह लूँ ना लूँ, ठीक है। तो इस तरह से इरिटेट करने की कोशिश मत कीजिए। चलिए, तो आपको पता है कल मेरे यहाँ पर नेटवर्क था नहीं था, क्या था क्या नहीं था, इस तरह के कमेंट जो है वो वाहियात किस्म के आप डाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो औरों का समय खराब मत करिए, आपको नहीं लेना क्लास तो मत लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लीडिंग केसेस, यहाँ पर आर्टिकल 14। तो ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है, और दूसरा आर्टिकल जो 14 है मतलब किसी और तरीके से भी आर्टिकल 14 आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 3 है, जो है डिस्कस द स्कोप ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इज दिस राइट एब्सोल्यूट, इफ नॉट व्हाट रेस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन इट। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार जो संविधान में दिया गया है उसको समझाइए, और क्या यह अधिकार असीमित है, अगर नहीं तो इस पर कौन कौन से प्रतिबंध लगाए गए हैं, मतलब कि आर्टिकल 19(1)(a) क्या है आपको बताना है विद केस लॉ, और इसके बाद उस पर रेस्ट्रिक्शन क्या क्या लगाए गए हैं, क्योंकि कोई भी जो फंडामेंटल राइट है वो असीमित नहीं हो सकता। बीच में मैं बता देता हूँ कि कल दो क्लासेस होंगी, क्योंकि कल आपका एग्जाम है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, उसके बाद आपका 13 में एग्जाम है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो कल हम दो क्लास करेंगे इवनिंग में, इसी समय लगभग 8 या जो भी टाइम होगा मैं बता दूंगा आपको। तो कल दो क्लास करेंगे, जूम क्लासेस हम करेंगे दो, ठीक है, 40-40 मिनट की दो क्लास करेंगे, और उसके बाद परसों हम करेंगे यूट्यूब क्लास, ठीक है। इसका उल्टा भी हो सकता है, वो मैं देख लूंगा जैसा करना होगा, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कल यूट्यूब क्लास हो, और लेकिन ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि कल हम जो जूम क्लासेस कल रख लेते हैं,
और परसों इवनिंग में, मतलब कि 12 की इवनिंग में हम रखेंगे, क्योंकि गैप कम है देखिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम वहाँ डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। जी गुड इवनिंग सभी को, और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो लोग जुड़े हुए नहीं है, ठीक है, जो जो जिन लोगों के पास लिंक नहीं पहुंच पाता है, वो मैं आपको उसके लिए, चलिए उसके लिए मैं आपको एक लिंक देता हूं, उस लिंक में आप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं कमेंट में यहां पर इस ग्रुप का लिंक डाल देता हूं। इस ग्रुप में मैं इस ग्रुप के अंदर, ठीक है, मैं यहां पर कमेंट बॉक्स में लिंक डाल रहा हूं। तो इस लिंक से, व्हाट्सएप लिंक है, तो इस लिंक पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा जो कि ज्वाइन नहीं है। ठीक है, जो ज्वाइन नहीं है अभी वो इस लिंक पर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल ऑफ हिज लाइफ एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ बाय द लॉ बाय लॉ। ये आर्टिकल 21 है सीधा सीधा, और इसके बाद है द इंडियन रिपब्लिक, प्रश्न नंबर 5 है, इंडियन रिपब्लिक इज अ सेकुलर स्टेट एंड एंश्योर्स टू ऑल पर्सन इक्वली फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड बिलीफ। भारतीय गणराज्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी व्यक्तियों को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। टिप्पणी कीजिए, मतलब कि आर्टिकल 25। प्रश्न नंबर 6, देखिए ये प्रश्न आप कर लेंगे अगर, ठीक है, जो लोग अभी लिंक से जुड़ते हैं उनको मैं दोबारा ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर सुपीरियर, और कल जैसे ही आपका एग्जाम होगा आपको उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है वो आपको तुरंत मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर मतलब कि जो ये मैंने बनाया हुआ है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर सुपीरियर टू फंडामेंटल राइट्स, डिस्कस इन द लाइट ऑफ एमर्जिंग ट्रेंड ऑफ जुडिशरी ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन देम। मतलब यहाँ प्रश्न है, नीति निदेशक तत्व मौलिक अधिकारों से श्रेष्ठ हैं, दोनों के संबंधों पर न्यायपालिका के उभरते झुकाव के आलोक में विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 7 मैंने लिख दिया है लेकिन इसके आने के चांसेस थोड़े कम है, ये है राइट एन एसे ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप इसको 6 ही रहने दीजिए, इसके आने के चांसेस थोड़े कम है। दूसरा फिर आपके पास ऑप्शन भी है तो ये अलग से एक नया क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। इसके बाद शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में आर्टिकल 16, आर्टिकल 12, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, 42nd अमेंडमेंट, और डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, रिट और उसके टाइप, और एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, बल्कि जो आर्टिकल 20 है पूरा, तीनों पार्ट उसके, रूल ऑफ लॉ, PIL, रीजनेबल क्लासिफिकेशन जो कि आर्टिकल 14 में है, और डबल जियोपार्डी और सेल्फ इनक्रिमिनेशन ये आर्टिकल 20 में आ जाते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो कि आर्टिकल 22 में आता है, इसके बाद है जुडिशल रिव्यू आर्टिकल 13 में आता है, बेसिक स्ट्रक्चर, हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो पार्ट सेकेंड, जो कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड पार्ट है उसमें आता है लेकिन पूछा जा सकता है आपसे। दूसरा सॉवरेन या सोशलिस्ट का मतलब क्या है, या सेकुलर शब्द का मतलब क्या है, इस तरह से भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अभी हम बात करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर काफ़ी देर से, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो शॉर्ट में सिर्फ हेडिंग हम देखेंगे इसकी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, और इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सॉवरन सोशल सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, सुबह की क्लास में मैंने आपको बताया था कि यहाँ क्या है कि ये जो शब्द हैं, देखिए ये शब्द अगर प्रस्तावना से रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो ये जो पार्ट है आपका वो दोनों जगह काम करेगा। ठीक है, ये जो चीजें हैं तो ये आप यहाँ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अगर प्रीएम्बल से कोई आ जाता है प्रश्न तो वहां पर भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि जो ये दो शब्द हैं सोशलिस्ट और जो सेकुलर, ये इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976, कभी कभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है।
इसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो दो तरह का सिस्टम होता है, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंशियल। जैसा अमेरिका में क्या है कि वहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। नंबर तीन आप देख सकते हैं, यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको अमेंडमेंट करने, जब अमेंडमेंट किया जाता है तो बेसिकली उसको तीन पार्ट में बांटा गया है। कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जिनको अमेंड करना बहुत मुश्किल है, कुछ ऐसे हैं जिनको अमेंड करना आसान है कंपैरेटिवली, और कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जिनको जिनमें परिवर्तन करना वो और भी ज़्यादा आसान है। तो ये डिपेंड करता है कि वो परिवर्तन का फर्क क्या पड़ने वाला है। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, और अडल्ट सफरेज, मतलब कि वोट डालने का अधिकार। 18 साल से जो ऊपर का कोई भी भारतीय नागरिक है, बिना किसी भेदभाव के सभी को वोट डालने का अधिकार है, सरकार को चुनने का अधिकार है, और उसमें कोई भेदभाव किसी तरह का नहीं है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि सेकंड आप पढ़ना नहीं है क्योंकि अभी एग्ज़ाम तो होने नहीं है, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि जो पार्ट आपने नहीं पढ़ा है, पार्ट सेकंड, उसको अपने नॉलेज के लिए आप एग्ज़ाम के बाद पढ़िएगा। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, किस तरह से है ये कभी फिर डिस्कस करेंगे। सेकुलर स्टेट है, सिंगल सिटीजनशिप है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट में ये भी जोड़ी गई थी, पहले 10 थी, फिर 86 में संविधान संशोधन के बाद अब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। जुडिशियल रिव्यू जो कि आर्टिकल 13 में है, जिसमें कोई भी कानून, अगर चाहे वो कैसा भी कानून हो, चाहे उसको लेजिस्लेचर ने बनाया हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का कोई रूल हो, उसको ये देखा जा सकता है कि क्या वो फंडामेंटल राइट का वॉलेशन तो नहीं करता। अगर वो कानून या नियम कानून जो भी है वो फंडामेंटल राइट का वॉलेशन करता है तो जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, और अगर वास्तव में वो करता है फंडामेंटल राइट का वॉलेशन, तो कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सिर्फ इनके पास ये पावर है कि वो उसको शून्य डिक्लेयर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कानून हैं देखिए जो अभी तक वॉइड डिक्लेयर किए गए हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि एक 66A था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया कि ये जो 66A है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, ये वायलेशन करता है आर्टिकल 19(1)A का। इसी तरह से सेक्शन 303 है, बहुत सारे एग्जांपल हैं। चलिए, तो ये बात हो गई मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके बाद सेकंड हम देखेंगे, नेक्स्ट देखिए प्रीएम्बल हम देख सकते हैं। शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश करूंगा जितना भी मैं आपको बता सकूं। स्टोरी ने कहा द प्रीएम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, सुब्बा राव जी, उन्होंने कहा कि द प्रीएम्बल ऑफ एन एक्ट सेट आउट द मेन ऑब्जेक्टिव विच द लेजिस्लेशन इज इंटेंड टू अचीव। यहाँ पर ये पूरी जो प्रीएम्बल है वो यहाँ लिखी है, जिसमें कि ये दो शब्द जो हैं ये बाद में जोड़े गए थे, सॉरी, तो ये जो शब्द थे बाद में जोड़े गए थे। ओरिजिनली हमारे संविधान के अंदर ना तो सेकुलर शब्द था ना सोशलिस्ट शब्द था। सोशलिस्ट शब्द का मतलब है समाजवाद, समाजवाद का मतलब है कि जो संसाधन होंगे वो सभी को बराबर बांटने की कोशिश की जाएगी और मिश्रित अर्थव्यवस्था रहेगी, मिक्स्ड इकोनॉमी रहेगी। और सेकुलर का मतलब है कि भारत जो है वो एक धर्म निरपेक्ष देश होगा, भारत का कोई राष्ट्रीय अपना धर्म नहीं होगा, जैसे बहुत सारे देश आप देखते हैं ना कि मुस्लिम कंट्रीज हैं या इस तरह से, तो भारत का जो है वो कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। इसके बाद प्रीएम्बल के सोर्स, एम, ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात कर सकते हैं, और जैसा आप देख सकते हैं दो शब्द मैंने पीछे भी आपको बताया। और जब केस लॉ की बात करें तो यहाँ पर दो केस लॉ आते हैं, बेरुबारी केस और केशवानंद भारती केस। बेरुबारी जो केस था, इंद्री बेरुबारी, उसमें कहा गया कि प्रीएम्बल जो है वो पार्ट नहीं है। फिर बाद में केरला, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कहा गया कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब प्रश्न ये आया कि क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है, ठीक है, तो प्रीएम्बल को
अंडर आर्टिकल 368 जहाँ पर अमेंडमेंट की पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो प्रीएम्बल को अमेंड भी किया जा सकता है। चलिए तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया, इसके बाद कोशिश करते हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना हो सके मैं बताऊं। नेचर के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। अब देखिए लिखना बिल्कुल ऐसे ही लिखना जैसे यहाँ पर आप इसको देख रहे हैं। नहीं, मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ थोड़ा बहुत, बाकी इसके अलावा प्रैक्टिस करता हूँ छोटी मोटी, ठीक है। फिलहाल मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ। चलिए तो नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑल कॉन्स्टिट्यूशन आर आइदर यूनिटरल, यूनिटरी और फेडरल। दो तरह के विश्व में संविधान होते हैं, संघात्मक और एकात्मक। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि संघात्मक और एकात्मक, यूनिटरी और फेडरल का क्या मतलब है। यूनिटरी में क्या होता है कि सिर्फ सेंटर जो है होता है, स्टेट नहीं होते हैं, स्टेट के पास कोई पावर नहीं होती, सेंटर होता है, सिर्फ एक सरकार होती है। फेडरल में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, दोनों के बीच में पावर डिवाइड होती है, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। इन अ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर सेंट्रलाइज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंसेस आर मेड सबऑर्डिनेट टू द सेंटर। या तो प्रोविंसेस होते ही नहीं है, राज्य होते नहीं है, होते हैं तो सेंटर के सबऑर्डिनेट होते हैं। इन अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट इन देयर ओन स्फीयर। तो देखिए, अब भारत जो कोई भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है संघात्मक, वहां पर दोनों के अपने अपने अधिकार क्षेत्र होंगे। अब भारत में अगर बात करें तो देखिए, सेंटर जो है, जो स्टेट्स हैं वो सेंटर के अधीन नहीं है, सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं। अब पुलिस है, जैसे पुलिस में, पुलिस का कोई मैटर है तो उसमें सेंटर इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, ठीक है। हालांकि NIA 2008 में बना और वहां पर यह कर दिया गया कि अगर आतंकवाद से रिलेटेड कोई मामला है तो वहां पर उसकी जांच फिर NIA करेगा। तो खैर वो बहुत लंबी बातें हैं, उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ जाएंगी। अब यहां पर अब सीधा हम देखेंगे कि इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जैसा मैंने बताया कि शेड्यूल 7 है हमारे यहाँ पर, है ना। शेड्यूल 7, शेड्यूल 7 में तीन लिस्ट हैं, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इस लिस्ट पर केवल, जो इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, इसमें जो लिस्ट हैं उन पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, केंद्र सरकार भी राज्य सरकार भी। अब जैसे लॉ हैं हमारे, तो स्टेट अमेंडमेंट लॉ के अंदर होता है, तो लॉ इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे CRPC है, CPC है, वो इस कैटेगरी में आते हैं, सेकेंड वाली में, सॉरी गलत बोल गया मैं, ये स्टेट लिस्ट है। तो स्टेट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जैसे पुलिस है और ये सब चीजें हैं। तो जो मैं CRPC CPC एग्जांपल बता रहा था वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, जिन पर दोनों सरकारें लॉ बना सकती हैं। इसके बाद है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि सारी चीजों, इनका मतलब किसके बीच में क्या विभाजन होगा, किसकी क्या पावर होगी, ये सब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, ठीक है। इसके बाद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में, और रिजिडिटी होनी जरूरी है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका जब मन किया आपने उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस कर लिए। अथॉरिटीज ऑफ द कोर्ट इन अ फेडरल स्टेट, द लीगल सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशियल। देखिए, एक बात कही जाती है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान का गार्जियन है। इसका मतलब क्या है कि जब भी कहीं कहीं बात होती है इंटरप्रेटेट करने की, तो सुप्रीम कोर्ट के पास, मतलब सुप्रीम कोर्ट की ये ड्यूटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेटेट करे, ठीक है। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं सीधा भारत के बारे में। देखिए, ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, आप समझिए कि एग्जाम में आ चुके हैं 100%, तो कोई नहीं बोल सकता, मैंने तो क्वेश्चन पेपर नहीं बनाया, लेकिन ये ऐसे ऐसे प्रश्न है जो कि अक्सर 90% एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि टू व्हाट एक्सटेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिटरी। यहां पर हम देखेंगे, अब ऐसे फीचर हम देख रहे हैं जहां से
लगता है कि भारतीय संविधान संघात्मक नहीं है बल्कि एकात्मक है, यूनिटरी है। अब इसमें आता है पहले अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। सुबह मैंने बताया था जूम क्लास में, ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी है वैसे तो। तो गवर्नर जो है वो स्टेट के हेड होते हैं, अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, और प्रेसिडेंट के लिए ही आंसरेबल होते हैं, और प्रेसिडेंट खुद जो है सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं और सेंटर के एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। पार्लियामेंट्स पावर टू लेजिस्लेट इन द नेशनल इंटरेस्ट, कई सारे ऐसे प्रोविजन हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे एक यहाँ पर दिया हुआ देखिए आर्टिकल 249, कई सारे ऐसे प्रोविजन हैं जहाँ पर जो संसद है ना वो स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकती है, या अगर कॉन्करेंट लिस्ट है कोई, और कॉन्करेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची, और वहाँ कभी सेंटर और स्टेट के बीच में कोई विवाद हो जाता है किसी सब्जेक्ट को लेकर, तो फाइनली वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर जो मतलब जो केंद्र सरकार है उसका जो कानून है वही चलेगा फाइनली। कई सारे स्टेप्स हैं लेकिन फाइनली वही चलेगा। इसके बाद पार्लियामेंट्स पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट एंड ऑल्टर बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। कई बार बात चलती है कि उत्तर प्रदेश को चार भागों में बांट दिया जाए। अभी आपने देखा 20-21 साल पहले क्या हुआ था कि तीन नए स्टेट बने थे, उसके बाद तेलंगाना नया स्टेट बना, उसके बाद अभी देखिए जम्मू कश्मीर को डिवाइड किया गया। तो ये पावर किसके पास है? ये पावर जो आर्टिकल 3 में है, देखिए आप देख सकते हैं आर्टिकल 3 में पावर पार्लियामेंट के पास है कि वो नए स्टेट को बनाए, इवन नाम उनके चेंज करना और कई सारी चीजें जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही हैं। इसके अलावा इमरजेंसी प्रोविजंस के टाइम पर जो सारी क्या क्या होता है देखिए, इमरजेंसी कॉज्ड बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, तो आर्टिकल 352, अगर ऐसा कुछ होता है तो सारी जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। इसके बाद इमरजेंसी कॉज बाय फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी स्टेट, ये प्रोविजन ऐसा है जिसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया गया है और इसमें राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी, और अच्छी बात यह है फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी आज तक हमारे यहाँ लगी नहीं है, लेकिन ऐसा होने पर इमरजेंसी प्रोविजन जितने भी दिए गए हैं अगर इमरजेंसी किसी भी तरह की लगती है, ये तो स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी स्टेट में लगती है जो इस सेकेंड वाली है 356 वाली, बाकी ये जो है 352 और 360 ये पूरे देश में लगेगी। पूरे देश में लगेगी तो सारे जो जितने भी स्टेट हैं उनकी जो पावर है वो सीज हो जाएगी और सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो काम करेगी। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट देखिए ग्रांट देती है कई तरह की और भी कई सारे प्रोविजंस हैं। अब प्रश्न ये है कि भारत का संविधान जो है वो यूनिटरी है या फेडरल है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि किसी दूसरे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। एक तो एब्सेंस ऑफ डबल सिटीजनशिप है, भारत में डबल सिटीजनशिप नहीं है। जैसा मैंने बताया था आपको जम्मू कश्मीर में होती थी पहले, अब जम्मू कश्मीर में भी डबल सिटीजनशिप नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। और कई सारे ये प्रोविजन है और कंक्लूजन ये निकलता है कि ये क्वासी फेडरल है, ना तो ये फेडरल है ना ये यूनिटरी है, यूनिक कॉम्बिनेशन है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि भारत की परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा जरूरी है। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं और सीधा देखिए एक बार आर्टिकल 12 में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ये ऐसे प्रश्न, मैं सारे प्रश्न वही बताने की कोशिश करूंगा जो एग्जाम में आएंगे, आ सकते हैं। आर्टिकल 12 डिफाइन द टर्म स्टेट। देखिए स्टेट को अलग अलग जगह अलग अलग सेंस में यूज किया गया है। जैसे अभी स्टेट की बात करें तो कभी हम समझते हैं यूपी बिहार और ये सब स्टेट, अभी यहाँ जो स्टेट शब्द है वो स्टेट शब्द दूसरे सेंस में है, और ये जो स्टेट शब्द है ये सिर्फ पार्ट थर्ड में और पार्ट फोर में यूज किया जाता है। यहाँ तो लिखा के पार्ट थर्ड में यूज होगा लेकिन पार्ट फोर में भी यूज इसको कर लेते हैं। स्टेट देखिए जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको स्टेट के अगेंस्ट मिलते हैं, और स्टेट क्या होता है इस पार्ट मतलब आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के प्रोविजंस के लिए स्टेट क्या होता है वो आपको यहाँ पता चलेगा। क्या क्या होता है स्टेट के अंदर देखिए, द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन, द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
ठीक है, या कह सकते हैं अदर अथॉरिटी, शॉर्ट में इसको बोल देते हैं। अब स्टेट शब्द क्या होता है? जैसा मैंने बताया कि स्टेट शब्द का महत्व यहाँ इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स जो मिलते हैं आपको वो स्टेट के अगेंस्ट ही मिलते हैं। मेरे अगेंस्ट फंडामेंटल राइट नहीं मिलता आपको, आपको फंडामेंटल राइट स्टेट के अगेंस्ट मिलते हैं। तो आपको जानना जरूरी है कि स्टेट होता क्या है। अब दो चीजें तो समझ में आती हैं बिल्कुल क्लियर भाई, सीधा सीधा हो गया, एक तो भारत की सरकार हो गई और एक भारत की संसद हो गई, राज्यों की सरकारें हो गई और राज्यों की जो विधान परिषद, विधानमंडल, विधान परिषद है वो हो गई, लोकल बॉडीज हो गई जितनी भी हैं, लोकल बॉडीज, नगर निगम, नगर पालिका, ये वो जितनी हो गई। इसके अलावा जो मेन एक्सप्लेनेशन करने की बात है वो है अदर अथॉरिटीज, ठीक है। अब यहां क्या है कि जैसे लोकल अथॉरिटीज के बारे में बात है, मोहम्मद यासीन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी में ये कहा गया कि इसमें 1951-52 का केस है, इसमें कहा गया कि म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, ये सब लोकल अथॉरिटीज में आती हैं। अब यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई में प्रश्न उठा कि क्या यूनिवर्सिटी स्टेट है, तो यहां पर कहा गया कि यूनिवर्सिटी स्टेट नहीं है। लेकिन इसके बाद लगभग 10-11 साल के बाद एक दूसरा केस आया, उजमाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और यहां पर फिर उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो यूनिवर्सिटी है वो स्टेट है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल में प्रश्न आया कि अदर अथॉरिटीज विल इंक्लूड ऑल अथॉरिटीज क्रिएटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट नेसेसरी फंक्शन। तो बहुत बड़ी कई सारी चीजें हैं इसके अंदर, और कई बार ऐसा होता है, देखिए अब ये बड़े बड़े टॉपिक हैं थोड़े से, एक इसके साथ और जुड़ा आता है कि क्या जुडिशरी स्टेट है। सबसे पहले प्रश्न आया नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, और यहां पर ये कहा कि मतलब क्लियर इसका कोई क्लियर उत्तर नहीं दिया गया इसका, तो आपको एक बार केस लॉ देख लेने, केस लॉ आपको देखने हैं। ये मैं जरूर मानता हूं कि थोड़ा हालांकि मैंने पहले ही ये सारी चीजों के आपको ऑडियो वगैरह भेज दिए थे, और बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपको लिखना किस तरह से है, तो यहां से आपको ये पता चल जाएगा आपको लिखना किस तरह से है। थोड़ा सा इसको जहां पर जरूरत हो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन आप कर दीजिए। अब ये प्रश्न है आर्टिकल 14, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो इसी तरह से आपको स्टार्टिंग करनी है इसकी कि द स्टेट शैल, आर्टिकल 14 की डेफिनेशन अगर जो है एग्जैक्ट अगर आपको याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ, बिफोर द लॉ एंड आना चाहिए एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दो चीजें हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो कि इंग्लिश ओरिजिन का है, और सेकंड एक्सप्रेशन जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगर इसको देखा जाए तो मतलब दोनों का एक ही है, थोड़ा थोड़ा अलग है लेकिन मतलब एक ही है, ठीक है। और इसके बाद देखिए रूल ऑफ लॉ जो है वो मैंने आपको बताया कि रूल ऑफ लॉ अलग से भी आ सकता है। तो रूल ऑफ लॉ क्या होता है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ में दो तीन पॉइंट होते हैं, वैसे हमारे यहाँ दो लागू होते हैं स्टार्टिंग वाले, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर और सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ। इट मीन्स द एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एज अपोज द आर्बिट्रेरी पावर ऑफ द गवर्नमेंट। In other words, a man may be punished for breach of law, but he cannot be punished for nothing else. अगर आपने किसी कानून का उल्लंघन किया है तो आपको केवल तभी सजा मिल सकती है, बिना किसी बात के आपको सजा नहीं मिलेगी। और दूसरा है equality before law, इसका मतलब है कि जो साधा कानून के लिए सभी व्यक्ति बराबर हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो भारत के लिए लागू नहीं होता, वो हमारे यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता, इंग्लैंड के लिए है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए द रूल ऑफ लॉ, एक सेकेंड, अब यहां पर बात आती है, अब ये थोड़ा सा देखिए टेक्निकल है, टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, ठीक है, और
कोई भी जो कानून है वो आर्बिट्रेरी, आर्टिफिशियल या इवेसिव नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ आप केस लॉ देख सकते हैं, जिसमें चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें ये भी कहा गया कि एक सिंगल व्यक्ति, कभी कभी आर्टिकल 14 के साथ ये आता है प्रश्न कि क्या एक व्यक्ति को एक वर्ग माना जा सकता है, क्या ए सिंगल इंडिविजुअल में कॉन्स्टिट्यूट अ क्लास। तो ये इसका केस लॉ है, चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सोलापुर विविंग मिल्स थी उससे रिलेटेड है। तो कुछ केस लॉज हैं जो आपको यहाँ, काफी सारे केस लॉज यहाँ मैंने लिखे हुए नहीं है, और जो सबसे महत्वपूर्ण केस लॉ है, अगर आपके पास समय है तो जो मेनका गांधी वाला केस है उसको आप पढ़ लीजिए। आर्टिकल 14 में ये जो मॉडर्न जो सोचने का तरीका जो बदला वो इस केस से बदला, ठीक है। चलिए, वैसे स्टार्टिंग में जो कमेंट था, कमेंट तो कुछ हद तक ठीक था, लेकिन उसकी जो लिखने का तरीका, जो कमेंट लिखने का तरीका था ना, वो थोड़ा गलत था, इसलिए थोड़ा मुझे उस पर, उस कमेंट पर थोड़ा मुझे गुस्सा आ गया। देखिए, मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मुझे आपसे ये कहना है कि, मतलब मैं ये सारी चीज़ें जो है वो बिना किसी उसके कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मेरी क्लासेस आप लीजिए या ऐसा करिए वैसा करिए। तो कल मेरे पास नेटवर्क था भी नहीं, ठीक है, इसीलिए मैं क्लास नहीं ले पाया। और दूसरी बात यह कि कल इस टाइम पर दूसरे सर एक जूम क्लास ले रहे थे, ठीक है। तो जो सिस्टम है कई बार वो देखना पड़ता है, तो ये बिना सोचे समझे इस तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए। मैं अपना टाइम निकाल कर आपको एक घंटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कम से कम अप्रिशिएट मत करिए, तो कम से कम इस तरह के कमेंट आपको नहीं करने चाहिए। खैर, यहाँ पर देखिए आर्टिकल 13 छूट गया था। आर्टिकल 13 बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन इसी के अंदर है। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब मैंने आपको बता चुका हूँ कि कोई भी कानून है उसको आप चैलेंज कर सकते हैं इस ग्राउंड पर कि ये फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करता है। जैसे CAA जो है उसको चैलेंज किया हुआ है कि ये फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करता है, अभी कोई उस पर फैसला नहीं आया है। जब आएगा तब देखा जाएगा कि किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं। सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, अपने अपनी इंटरप्रिटेशन होती है कानूनों की, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 13 में देखिए, एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स आता है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में ऑलरेडी मेरी प्रज्ञा लॉ क्लासेस पर आप देखेंगे आपको वीडियो मिल जाएगी। सेवरेबिलिटी में मतलब ये है कि अगर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एक कानून था 66A, सॉरी मैंने आपको बताया श्रेया सिंघल करके एक केस था, श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें ये चैलेंज किया गया कि जो 66A है IT एक्ट का, वो आर्टिकल 19(1)A का वॉयलेशन करता है, ठीक है। अब केवल 66A करता था, तो कोर्ट ने ये जब देखा इसको तो पाया कि हाँ 66A करता है, लेकिन 66 या बाकी जो पूरा जो एक्ट था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब कि जब कोई कानून, किसी कानून का कोई पार्ट, कोई सेक्शन पर्टिकुलरली फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करता है तो वो वॉइड हो गया, लेकिन अगर उसके हटाने से बाकी कानून पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसको हटा देते हैं और बाकी एज इट इज। जैसे मान लीजिए कभी आप सब्जी लाए, कुछ गाजर लाए, कुछ भी लाए, उसका कुछ पार्ट खराब है तो क्या करेंगे? एक तो ये कि सारा ही सड़ा हुआ है तो फेंक देंगे उसको, दूसरा ये कि छोटा सा अगर उसकी चोंच या कहीं से छोटा मोटा कुछ खराब है, उसको काटा आपने, अलग किया, बाकी एज इट इज रहने दिया। यही डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में, एक्लिप्स का आप देख लीजिएगा, वीडियो अवेलेबल है इसकी, और ये इसके केसेस हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के, ठीक है। ये जो पूरा है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के बारे में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने अपना लिंक भी यहाँ पर एक उसका दिया हुआ है, देखिए आप देख लीजिएगा, व्हाट्सअप ग्रुप है, लिंक इसलिए दिया है ताकि अगर आप कल मैं क्लास लूँगा, हो सकता है कि कल ना लूँ मैं ये यूट्यूब क्लास, मैं जूम क्लास लूँ कल, तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही वो दे दिया है, आप चाहें तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, टाइमिंग वगैरह सारी डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगी। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर में प्रश्न ये है कि क्या एक सिटीजन अपने फंडामेंटल राइट को छोड़ सकता है, और ये प्रश्न आया इस केस में, विशेषनाथ वर्सेज इनकम टैक्स कमिश्नर, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्ट्स थे
चलिए बता देता हूँ मैं आपको शॉर्ट में। इसमें क्या हुआ था कि इनका इनके यहाँ रेड हुई थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, और कुछ ऐसा अमाउंट पाया गया था जो इन्होंने, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था। इनकम टैक्स का एक सेक्शन था, पुराना जो इनकम टैक्स एक्ट था उसका एक सेक्शन था 5A, तो उसके अंदर दोनों के बीच में समझौता हुआ, 2 या 3 लाख इनको देने थे जुर्माने के रूप में, ये तय हो गया। अभी पैसे उन्होंने नहीं दिए थे, बीच में क्या हुआ था कि एक और केस में मुथैया वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर में इस सेक्शन को चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 14 का वॉयलेशन करता है ये सेक्शन, जो ये सेक्शन था 5A। इसके बाद इन्होंने कहा, बसेश्वर नाथ ने, कि जी हम तो आपको पैसे नहीं देंगे क्योंकि सेक्शन ही इनवैलिड कर दिया कोर्ट ने। इनका कहना ये था कि आपने हमसे समझौता करके अपना जो अधिकार था आर्टिकल 14 का वो त्याग दिया है। सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड ये करना था कि क्या कोई व्यक्ति भारत में अपने इस अधिकार को, फंडामेंटल राइट को त्याग सकता है। कोर्ट ने इसका आंसर कहा कि नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा वो अमेरिका में ऐसा होता, यूएसए में ऐसा होता, भारत में नहीं होता। भारत में आप यूएसए में कर सकते हैं, भारत में नहीं कर सकते। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 19 पर आते हैं सीधे। और 19 ऐसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 19 में देखिए, आर्टिकल 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताएं हैं, और एक जो है ये 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया था, संपत्ति का अधिकार। और इसी के साथ साथ इसके कुछ, ये एब्सोल्यूट नहीं है, रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। अब आपको जो पढ़ना है बेसिकली वो आर्टिकल 19(1)(a) पर ध्यान देना है। ये कहता है कि भारत के जो नागरिक हैं उनको बोलने का और एक्सप्रेस करने का अधिकार होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आप कैसे कर सकते हैं, कार्टून बना सकते हैं, कोई वीडियो बना सकते हैं, कोई नाटक कर सकते हैं, किसी भी तरह का विजिबल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो है। उस पर अगर कोई भी रोक लगाई जाती है तो वो आर्टिकल 19(1)(a) का वॉयलेशन है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन पर तो लगाए, आप किसी को गाली नहीं दे सकते, किसी का डेफामेशन नहीं कर सकते, कोई ऐसी बात नहीं कह सकते जिससे हिंसा को बढ़ावा मिले। हाँ, बोलने का अधिकार है, आलोचना करने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कीजिए, सरकार की आलोचना कीजिए, आलोचना एक लोकतंत्र के लिए ये अधिकार बहुत जरूरी है। लेकिन प्रश्न यही है कि आप उसका अधिकार का प्रयोग कैसे करते हैं और इसकी लिमिटेशंस क्या है। आजकल क्या है, बड़ा उल्टा चल रहा है, हर कोई कुछ भी बोलता कहता है ये तो मेरा राइट है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। और फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इसी में आता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस कोई अलग से नहीं है, जितना राइट एक आम व्यक्ति को है उतना ही प्रेस को भी अधिकार है। प्रैक्टिकली कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आम आदमी कुछ बोलता तो उसको आसानी से पुलिस पकड़ लेती है, प्रेस वालों के खिलाफ नहीं इतना आसानी से हो पाता, लेकिन अधिकार बराबर है, ठीक है। अधिकार जो है प्रेस का, वो भी प्रेस को भी यहीं से मिलता, 19(1)(a) से भी, और एक सामान्य व्यक्ति को भी यहीं से अधिकार मिलता है। ये केस लॉज हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, कई सारे ऐसे केस लॉ हैं जिसमें न्यूज़पेपर के ऊपर सरकार ने कहा कि जो न्यूज़पेपर के पेजेस हम फिक्स करेंगे, या तो ऐसा है जैसे ये था आपका और ये प्री सेंसरशिप से रिलेटेड है। देखिए, प्री सेंसरशिप नहीं लगाई जा सकती। आप ये कहें कि पहले आप हमें दिखाएंगे उसके बाद न्यूज़पेपर छपेगा, या पहले न्यूज़ आप हमें दिखाएंगे उसके बाद पब्लिश होगी, ये प्री सेंसरशिप नहीं लगाई जा सकती, वो आर्टिकल 19(1)(a) का वॉयलेशन होगा। तो ये केस लॉज आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, प्री सेंसरशिप का, ठीक है, राजगोपाल वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु, बॉबी आर्ट इंटरनेशनल वर्सेज ओम प्रकाश होन, ये बैंडेड क्वीन जो फिल्म आई थी उससे रिलेटेड था, मोहम्मद अजमल आमिर कसाब से, आप जानते होंगे इस केस के बारे में। तो और ये है ग्राउंड, किन किन ग्राउंड पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं, जो कि आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में दी हुई हैं, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डेफामेशन, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, और इंटीग्रिटी एंड सॉवरेंटी ऑफ इंडिया। जैसे JNU में नारे लगे थे अगर, तो वो इसके अंदर आता है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपकी खत्म हो जाएगी। किसी को गाली आप देंगे, डेफामेशन आप करेंगे, तो आप ये पॉइंट देख लीजिए, ठीक है, जहां से आपकी ये जो अधिकार है वो खत्म हो जाता है।
देखिए क्लास, हाँ क्लास की रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल हो जाएगी, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो आपको ये क्लास मिल जाएगी। लास्ट एग्जाम अटेम्प्ट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लास्ट एग्जाम आपने अटेम्प्ट नहीं किया, बाद में आप बैक एग्जाम आपको देना पड़ेगा। चलिए ये छोटे छोटे राइट है, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इसके बाद है ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, आर्टिकल 19(1)(g). आप कोई भी व्यापार आजीविका कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी क्या है कि एक तो इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में। आप सड़े हुए फल आप बेचने लगे, आप कहें कि मेरा तो अधिकार है, नहीं कर सकते। दूसरा, अगर कहीं पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए तो आप पर लगाई जा सकती है। जैसे अब आप ये कहें कि मैं तो, आपने वो ललन टॉप में एक वीडियो देखा होगा, काफ़ी पॉपुलर हुआ था, जिसमें वो व्यक्ति कहता है कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ डॉक्टर की, या एडवोकेट भी आप कितना ही लॉ जानते हो, लेकिन अगर आपके पास रजिस्टर्ड मतलब एनरोल नहीं है आप एडवोकेट के रूप में, तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इसमें कि अगर सरकार चाहे, किसी स्टेट चाहे, अगर किसी पर्टिकुलर ट्रेड या बिजनेस को, कि मान लीजिए इसको हम ही करेंगे, तो वो ऐसा कर सकती है। जैसे कई रूट आपने देखे होंगे जहां पर सिर्फ सरकारी बसें चलती हैं, प्राइवेट बस नहीं चलती, तो सरकार ऐसा कर सकती है। अब ये कुछ इसके केसेस हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे केसेस हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि और मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण चीज़ कुछ बता पाऊँ। चलिए 20 पर चलते हैं, और यहाँ पर तीन चीज़ें आती हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, डबल जियोपार्डी और सेल्फ इंक्रिमिनेशन। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज का मतलब है कि आज अगर, देखिए आपने देखा होगा निर्भया जो रेप केस था दिल्ली में, उसमें उसकी जो एज थी वो 18 साल नहीं हुई थी, और उस समय कानून था कि 18 साल नहीं है तो वो माइनर माना जाएगा, तो मैक्सिमम जो किसी भी ऑफेंस के लिए सजा मिल सकती थी वो मैक्सिमम 3 साल मिल सकती थी, बाद में उसमें चेंज किए गए। लेकिन जिस दिन ये अपराध हुआ उस दिन कानून क्या था, उस दिन के हिसाब से ही, मतलब उस दिन के बाद कुछ भी हो, लेकिन जिस दिन वो अपराध हुआ उस दिन कानून था कि 18 साल से कम के लिए मैक्सिमम सजा 3 साल हो सकती है। तो ऐसे स्थिति में देखिए, इसका मतलब ये है कि आज अगर मान लीजिए चोरी के लिए सजा है 3 महीने, और मैंने आज चोरी की, उसके बाद कल हो गया कि उसके लिए आपको 7 साल की सजा होगी, तो मुझे जो है वो 3 महीने ज्यादा सजा नहीं हो सकती। हाँ, अगर कम हो जाती है तो आप डिमांड कर सकते हैं कोर्ट से, मांग सकते हैं जी हमारी सज़ा कम कर दी जाए, तो कोर्ट का कोर्ट की मर्जी है, वो आपकी सज़ा कम भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर जिस दिन आपने अपराध किया उस दिन जो सज़ा थी उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती आपको, कम तो हो सकती है ज़्यादा नहीं मिल सकती, हालांकि कम होना राइट नहीं है, लेकिन मेन फोकस आप रखिए कि ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। और आगे चलते हैं, डबल जियोपार्डी का मतलब है कि एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिलेगी। एक सेकंड, एक अपराध के लिए, जैसे ये प्रश्न आया था उस केस में, आपको शायद याद होगा कि एक जो नर्स थी जो अभी मर्सी किलिंग से रिलेटेड है, वो मर्सी डेथ से रिलेटेड मुंबई का मामला था, जिसमें वो दया अरुणा शानबाग का जो केस था, उसमें ये प्रश्न आया था कि उस व्यक्ति को जो अपराध किया उसने पहले ही उसको सजा मिल चुकी थी, अब लोग ये मांग उठाने लगे कि उसको दोबारा, उसको मतलब सजा कम मिली थी, दोबारा दी जानी चाहिए, तो पता चला कि एक बार जब सजा मिल गई तो दोबारा नहीं मिल सकती, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब कि आपसे, जैसे आपसे इंट्रोग्रेशन होती है, तो आपसे, आपको मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप ऐसे सवालों का जवाब दें जो आपको फंसाने वाले हों। इसमें एक केस है, नंदन सतपति करके केस है, वो काफी इसमें महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये रहा देखिए, एक तो है ये बॉम्बे, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथीकालू, एक है साल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। साल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में ये कहा गया कि कोई ऐसा बड़ी विस्तृत गाइडलाइंस इसमें दी हुई है, ठीक है, और इट इज़ अ राइट अवेलेबल टू अ पर्सन अक्यूज टू एन ऑफेंस, और इट इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंपल्सन टू बी अ विटनेस, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं,
21। तो यहां ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपको अपने क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लाइफ ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। थोड़ा सा कहीं कहीं मिस्टेक है तो उसको आप सही कर लीजिएगा। एक सेकंड, और होगा ये, और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब यहां पर क्या था, देखिए एक एक ये केस है, एक एक गोपालन वर्ष, यहां से स्टार्टिंग आपको यहां से ही करनी है, एक एक गोपालन केस से। सबसे पहले ये बात आई, और ये जो शब्द है ना, ये पूरे आर्टिकल 21 में अगर बहुत अच्छे मार्क्स आपको चाहेंगे तो ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसको जब ढंग से पढ़ेंगे आप, यूनिक में जो दिया वो पर्याप्त है, बड़ा अच्छा दिया हुआ है उसमें। तो मेनका गांधी से पहले प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब ये कर दिया गया कि अगर लॉ के अंदर मतलब अगर लॉ में प्रोसीजर दिया हुआ है तो आपकी आपको आपकी जो पर्सनल लिबर्टी है और लाइफ है वो छीनी जा सकती है। जैसे भाई मान लीजिए आप किसी अपराध के दोषी हो तो आपको फांसी दी जाती है ना। प्रोसीजर लॉ एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब यही है। लेकिन एके गोपालन में कहा गया कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय, वहां पर एक शब्द आया, देखिए एक शब्द है इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सम्यक विधिक सम्यक प्रक्रिया, दो शब्द हैं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो पहले यह माना गया था कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ हो तो पर्याप्त है। अब मॉडर्न आज के मेनका गांधी वाले केस के बाद यह माना जाता है कि यह जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब कि जो आप कोई लॉ ऐसा नहीं बना, मतलब इसका मतलब ये है, पहले ये था कि लॉ बना दिया तो अब पर्सनल लिबर्टी छीनी जा सकती है। अब ये है कि लॉ को भी हम देखेंगे कि वो लॉ भी सही है या नहीं है, अगर वो लॉ ठीक नहीं है तो हम उसको भी चैलेंज, मतलब वो भी आर्टिकल 21 का वॉयलेशन करेगा। अब ये थोड़ा बड़ा डिटेल टॉपिक है, हम इतना मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, तो अभी आप इतना समझ लीजिए, ये केसेज आप देख लीजिए। सबसे पहले ए के गोपालन का केस है, उसके बाद खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस है, गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस है, मेनका गांधी का सबसे महत्वपूर्ण केस है, इसके बाद सेम लगभग फैक्ट ऐसे ही है, सतवंत सिंह वर्सेस पासपोर्ट असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर। अच्छी बात यह है कि आर्टिकल 21 के प्रश्न में आप इतने सारे केस लॉज हैं, देखिए अगर हथकड़ी किसी को लगाई गई, सुनील बत्रा वाला केस था, वो भी आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है। पर्यावरण के जितने रिलेटेड मैटर है वो भी आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है। अब देखिए यहाँ देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसमें ये चार चीज आती है, इसको आप अगर ऐसे लिख देंगे जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, यकीन मानिए। जैसे यहाँ पर ये चार पॉइंट जो है अगर आपने लिख दिए, ये जो आपको यहाँ स्क्रीन पर शो हो रहे हैं ये वाले चार पॉइंट अगर आपने लिख दिए और तो इस प्रश्न में बहुत अच्छे आपके मार्क्स आने वाले हैं। तो आर्टिकल 21 में सब कुछ आता है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू लिवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, फोन टैपिंग जो है वो भी आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है, राइट टू डाई की बात आती है कभी कभी कि क्या जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है। कई सारे केसेस हैं स्टेट ऑफ इसमें कहा गया इस केस में कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है, तो ये कई सारी सीरीज है, लेकिन फाइनली क्या है कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। सेक्शन 309 का भी जिक्र होगा इसमें आईपीसी का, क्योंकि वहां पर आत्महत्या का प्रयास करना अपराध है, ठीक है। लेकिन ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कहा कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है फाइनली। और राइट टू गेट पॉल्यूटेड फ्री वाटर एंड एयर, एमसी मेहता ने बहुत सारे इसके लिए, एमसी मेहता जी ने बहुत सारे इसमें केस डाले हुए हैं। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा बस आपको लास्ट में बस मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर रिट का थोड़ा बहुत कुछ होगा, हाँ ये देख लेते हैं एक बार। तो देखिए आपको राइट मिल गई लेकिन एग्जीक्यूशन का कोई अगर प्रोविजन नहीं है तो कोई फायदा नहीं है,
इसीलिए आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 226 भी है जो जो हाई कोर्ट को पावर देता है। तो हाई कोर्ट जो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, पांच तरह की रिट इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट तो जो है वो हाई कोर्ट पांच से भी ज्यादा कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट पांच तरह के रिट इशू कर सकता है। आपके फंडामेंटल राइट का अगर वॉयलेशन है तो पांच तरह की रिट इशू हो सकती है। हैबियस कॉर्पस को बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी व्यक्ति को अल्लॉ इलीगल डिटेन किया गया है तो उसके अगेंस्ट आप इसको डाल सकते हैं। तो बताना पड़ेगा कि इसको डिटेन क्यों किया गया है, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद है मैंडेमस, जिसको हिंदी में कहते हैं परमादेश, जिसमें कोर्ट किसी को भी मतलब स्टेट को कुछ करने या ना करने का ऑर्डर देता है कि वी ऑर्डर टू यू दैट। इसके बाद है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। अच्छा, जो ये है प्रतिषेध, ठीक है, प्रतिषेध। और एक ये है सरशोरई, ये है आपका एक मिनट, क्यू वारंटो है अधिकार प्रच्छा। सरशोरई को भूल रहा हूं मैं, एक सेकेंड, सरशोरई है उत्प्रेषण। अब अधिकार प्रच्छा में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति जिस सरकारी किसी सरकारी पद पर है और गलत तरीके से उस पद पर है तो उसके अगेंस्ट ये रिट इशू की जाती है कि बताइए कि आप किस हैसियत से इस पद के ऊपर हैं। दूसरा ये जो है प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये दोनों सबॉर्डिनेट जो जुडिशरी है या फिर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज हैं उनके अगेंस्ट ये इशू की जाती है। जिसमें एक में तो क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई केस चल रहा है तो उसको रोक दिया जाता है, और एक में रिकॉर्ड मंगा लिया जाता है उत्प्रेषण। तो डिटेल में चलिए फिर कभी डिस्कस करेंगे। नहीं, कुमार अमित जी पूछ रहे हैं किसी अक्यूज्ड की सजा अपील स्टेज पर हो तो नहीं हो सकता, वो सभी जगह लागू होता है। एक शब्द है देखिए पीआईएल, पीआईएल क्या होता है, जनरल रूल क्या है कि अगर जनरल रूल क्या है कि मुझे मेरी कोई समस्या है आपके साथ है तो मैं केस आपके ऊपर फाइल करूंगा आप। लेकिन पीआईएल में क्या है, पीआईएल कहीं पर वैसे कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जुडिशियल एक्टिविज्म का एक पार्ट है, न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता का क्या मतलब है, जनरली क्या होता है कि कोर्ट किसी बात पर संज्ञान तब लेता है जब कोर्ट में आप जाएं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां जहां पर कोर्ट बिना किसी के अप्रोच किए खुद इनिशिएटिव ले लेता है। तो एक तो उसमें आपने सुना होगा सो मोटो कॉग्निजेंस लेना है, कभी कभी कोर्ट क्या करता, कोई ऐसी खबर अखबार में पड़ी कोर्ट को लगता कि इंटरफेयर करना जरूरी है तो कोर्ट ने वहां पर इंटरफेयर कर देता है, कोर्ट एक्सेप्शनल है लेकिन करता है कोर्ट, ऐसा अधिकार है कोर्ट को। एक है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में क्या होता है कि कोई व्यक्ति जिसका अपना, जैसे मान लीजिए मेरे आसपास में कोई समस्या है और वो मैं लोकल अथॉरिटीज को उठा चुका हूँ, कोई हल नहीं हो रहा, तो उसके बाद अगर वो देखिए, अब मैं एक लाइन में तो नहीं बता सकता, कभी डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट फाइल कर सकते हैं। और पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब और लोगों के लिए, और लोगों के किसी लीगल राइट का या फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो रहा है तो आप उनकी तरफ से कोई व्यक्ति या संस्था, एनजीओ कोई या कोई व्यक्ति पीआईएल फाइल कर सकता है, ठीक है। लोकस स्टैंडाई को यहाँ पर फ्लेक्सिबल बनाया गया है। लोकस स्टैंडाई का मतलब है वाद हित। सामान्यतः क्या है कि अगर आपका वाद हित नहीं है किसी मामले में तो आपको परमिशन नहीं दी जाती पार्टी बनने की, लेकिन पीआईएल जो है वो उसका एक्सेप्शन है। तो काफ़ी लगभग 50 मिनट हो गए हमें, 52 मिनट, ठीक है। ये जो एड्रेस आप देख रहे हैं इस पर अब हमारा सेंटर नहीं है, अभी सिर्फ मैं ऑनलाइन ही हम पढ़ाते हैं, ठीक है। और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंदर जो हाई कोर्ट जो है वो 226 के अंदर रिट इशू करता है। चलिए कोई और प्रश्न देखता हूं मैं, अगर किसी का होता है। थैंक यू।
बाकी मैं थोड़ा सा जो जिन पर नाराज हुआ था मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप भी कोशिश करें कि ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, टॉन्ट ना मारें, ठीक है? क्योंकि इससे आपको फायदा है, ठीक है? आप इसका इसका एहसास आपको कल के पेपर के अंदर होगा। कल का जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जब उसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो क्लास थी वो आपके लिए बहुत यूजफुल थी। चलिए कोशिश करेंगे कि कल मिलें, दोबारा जरूर मिलेंगे, या तो YouTube लाइव पर मिलेंगे या फिर जो जूम क्लासेस हैं उस पर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।